हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी का जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम लोग हेनरी लॉ पहुंचे हैं और हेनरी लॉ का एक क्वेश्चन रह गया था 2.39 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आप लेके बैठो, पढ़ लो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एयर जो है कॉम्पोजिशन है बहुत सारे गैसेस का, उसमें 20% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन है बाई वॉल्यूम। वो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में गैसेस मिक्सचर 10 एटमोस्फेयर पे है। आप क्वेश्चन देखते रहो, समझते रहोगे। तो हम लोग को निकालना है कि वाटर में कॉम्पोजिशन क्या होगा। एयर में तो है, वाटर में उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलो, तो एक डाल्टन्स लॉ का, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ जो 11th क्लास का यूनिट 5 में पढ़ते हैं, उसमें एक क्वेश्चन क्या है कि किसी भी गैस का पर्सनल अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका कॉम्पोजिशन को उसका पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग के लिए क्या लिख सकते हैं, पी ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन गैस इनटू पी टोटल, ठीक है जी। ये हम लोग को कितना आ जाएगा कंपोजिशन, ये आपका दिया हुआ 20%, परसेंट हटा के नीचे में आ जाएगा 100 इनटू पी टोटल, आपको दिया हुआ 10 एटमोस्फेयर। इसको हमको एमएमएचजी में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि इसके लिए जो केएच है वो एमएमएचजी में दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, 20 बाय, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर लो ना, इसको कर दो 5 टाइम्स में, ये चला गया 2 टाइम्स में, 2 एटमोस्फेयर, 2 एटमोस्फेयर को मल्टीप्लाई कर दो 760 से, तो वो आ गया एमएमएचजी, ठीक है। पीओटू हम लोग को मिल गया, पीओटू हम लोग को मिल गया 2 × 760 mmHg। क्वेश्चन में आपको गिवन में केएच दिया हुआ है, आप देख लेना, 3.33 × 10⁷ mmHg दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, PO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, है ना। अब हम लोग को यहाँ से कॉम्पोजिशन निकालना इन वाटर, दैट मीन सोलिबिलिटी ऑफ O2 निकालना है। तो सोलिबिलिटी ऑफ O2 में क्या हो जाएगा, PO2 बाई KH। PO2 आपको दिया हुआ है 2 × 760 बाई 3 × 3.33 × 10⁷, जो सॉल्व कर जाएगा सोलिबिलिटी, ये O2 के लिए हुआ। सेम ऐसे ही चलेंगे हम लोग नाइट्रोजन के लिए। फॉर नाइट्रोजन केवल ये 20 के जगह 79 हो जाएगा, केएच का वैल्यू बदलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कंपोजिशन हो जाएगा वाटर में, यहां पर जो आएगा ऑक्सीजन के लिए और अगला जो आएगा नाइट्रोजन के लिए। तो इस तरह से हेनरी लॉ का भी सारा न्यूमेरिकल खत्म। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तब तक आप बनाते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए, बाय।